नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दिल्ली के साथ पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को एक जोरदार झटका लगा है, जिसके बाद केजरीवाल की नींद उड़ गई है। एक तरफ दिल्ली में छठ को लेकर यमुना नदी की सफाई न कराने के लिए केजरीवाल बुरी तरह से घिरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भगवंत मान की सरकार पराली जलाने को लेकर मुसीबत में है। अब एक बार फिर से पंजाब की सरकार पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि आदेश के बाद भी पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या है जोरदार झटका पंजाब की भगवंत मान को लगा और किस तरह से केजरीवाल दिल्ली और पंजाब दोनों जगहों पर बुरी तरह से घिरे हुए हैं, स्पेशल स्टोरी में आपको विस्तार से बताते हैं। पंजाब सरकार की बढ़ी मुश्किलें, नहीं रुक रहे पराली के मामले, पंजाब को एनजीटी ने खूब सुनाया, प्रदूषण पर घिरी आम आदमी पार्टी। पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। अब इसी को लेकर दिल्ली में केजरीवाल और पंजाब में भगवंत मान की सरकार सवालों के घेरे में आ गई है और पंजाब सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा जा रहा है कि आखिर आदेश के बाद भी क्यों पराली के मामले कम नहीं हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली और एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के कई शहरों में भीषण प्रदूषण के बीच पराली जलाने पर पंजाब सरकार की एनजीटी ने भी खिंचाई की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब पराली जलाने पर रोक का आदेश दिया गया था, तब भी ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पराली जलाने के मामले में तुरंत रोक लगनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो फिर स्थानीय थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, उन्होंने पंजाब के साथ ही यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों के मुख्य सचिवों से भी कहा था कि वो आदेश के पालन को तय करें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार की तरफ से पराली जलाने पर रोक को लेकर जरूरी कदम न उठाने पर भी सवाल उठाए। एनजीटी ने कहा कि ये तो पूरी तरह से प्रशासनिक असफलता का मामला है। एनजीटी ने कहा कि ये मामला जब उठा था तब तक पराली जलाने के 600 केस ही सामने आए थे, अब ये आंकड़ा बढ़कर 33,000 हो गया है। ये तब हुआ है जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दोनों कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। एनजीटी की बेंच ने कहा कि ये पूरी तरह से प्रशासनिक असफलता है, आपका पूरा प्रशासन काम पर लगा है और फिर भी आप फेल हैं। यही नहीं, एनजीटी ने पंजाब सरकार पर चुनकर लोगों पर कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। एनजीटी ने कहा कि आप दोषी लोगों पर कार्रवाई भी चुन चुन कर कर रहे हैं, इसीलिए 1500 मामले आपने बताए और उनमें से 829 पर ही केस दर्ज किया गया है। एनजीटी ने आगे कहा कि आखिर नियम का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एनजीटी ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि आप नारे ही लगाते रहते हैं लेकिन आपके राज्य में मामले की गंभीरता को समझता ही नहीं है। इस मामले में आपके राज्य ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर और नवंबर के दौरान बीते कई सालों से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। माना जाता है कि इस पॉल्यूशन की वजह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पराली जलाना है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान 5 राज्यों की सरकारों से कहा था कि वो पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाए। लेकिन केजरीवाल है कि वो चुनाव प्रचार में ज्यादा बिजी है और वो कह रहे हैं कि नहीं, पंजाब में तो पराली नहीं जलाई जा रही है, वो तो हरियाणा में जल रही है। भले ही पंजाब में खेतों में पराली जलाने की घटनाएं केवल 24 घंटे में ही 2000 का आंकड़ा क्यों ना पार कर गई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर एक्स पर यह माहौल बनाने में लगी है कि 2022-23 में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 55% की कमी आई है। खास तौर से पंजाब में कथित तौर पर 65.6% खेतों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है, जबकि हरियाणा में 5.3% दर्ज की गई। हालांकि आपके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पुलिस और प्रशासन को पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, फिर भी पंजाब सरकार के आंकड़ों को ही माने तो पता चलता है कि राज्य के 21 जिलों में खेतों में आग लगने की घटनाओं में इजाफा देखा गया है। संगरूर में किसानों की तरफ से 8 नवंबर को खेत में आग लगने के 466 मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल संख्या 4070 हो गई, जो सभी जिलों में सबसे अधिक है।
वहीं लुधियाना में 8 नवंबर को 96 मामले दर्ज किए गए, जिससे खेत में आग लगने की कुल संख्या 1089 हो गई। दक्षिण मावला में 24 घंटे में खेत में आग लगने के 861 मामले दर्ज किए गए, जिसमें में भटिंडा, फरीदकोट, मनसा, फिरोजपुर, मुक्तसर, मोगा और फाजिलका शामिल है। इसमें पंजाब में खेतों में आग लगने की कुल संख्या 22,981 हो गई है। इस बीच हरियाणा सरकार ने 2022 की तुलना में इस साल पराली जलने की घटनाओं में 38% की कमी दर्ज की है। पिछले दो सालों में हरियाणा ने पराली जलाने की घटनाओं में 57% की कमी दर्ज की है। इसकी वजह बड़ी है ये कि भाजपा शासित राज्य हरियाणा ने खेत में आग के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 1,256 चालान काटे गए हैं और 32.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 72 FIR दर्ज की गई और 44 आग बुझाई गई। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने पराली जलाने को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से एक नई नीति की घोषणा की, हरियाणा एक्स सीतू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी 2023 का लक्ष्य टिकाऊ ऊर्जा के लिए धान की पुआल का उपयोग करना और 2027 तक फसल अवशेष जलाने को खत्म करना है। हरियाणा सरकार ने किसानों को सब्सिडी पर 19,141 लाख फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें मंजूरी की है। 940 लाख एकड़ क्षेत्र में 1,000 रुपये प्रति एकड़ के प्रोत्साहन के लिए पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कथित तौर पर 30 नवंबर तक या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा GRP चरण को रद्द किए जाने तक तत्कालीन प्रभाव से गुरुग्राम और फरीदाबाद में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल MLV 4 पहिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। NASA के फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की सैटेलाइट इमेजिनरी में पंजाब को लाल बिंदुओं से ढका हुआ दिखाया गया है, जो राज्य में खेत की आग के गंभीर स्तर को दर्शाता है, जबकि हरियाणा में ये काफी कम दिखाया जा रहा है। फिर भी पंजाब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में खतरनाक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI स्तर के लिए हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है। भले ही आप दिल्ली और पंजाब दोनों जगह है सत्तारूढ़, उसमें से पंजाब में पराली जलाने अपने चरम पर है, लेकिन दिल्ली की खराब हवा और प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी समय समय पर भाजपा शासित हरियाणा सरकार पर हमला करती रहती है, जो असली वजह है उससे मुंह मोड़ती रहती है। अभी हाल ही में दिल्ली में दिवाली से पहले ऑड इवन लगाने की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि दिवाली के तुरंत बाद ऑड इवन लग जाएगा, लेकिन केजरीवाल ने उस फैसले को भी बदल दिया और ऑड इवन ना लगाने का फैसला किया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर केजरीवाल सरकार को जोरदार झटका लगा। दरअसल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऑड इवन फॉर्मूले को महज दिखावा है। गौरतलब है कि नियम आगामी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू होने वाला था। वहीं इस मामले में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पंजाब में वो पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए वो तुरंत कुछ करे, हर समय केवल राजनीति लड़ाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जानते कि आप इसे कैसे करते हैं, पर इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इसी बीच कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में स्मॉग टावर सही से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि इन टावरों की सही से मरम्मत हो। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी नहीं बख्शा। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को भी जिम्मेदार होना चाहिए। ऐसी ही कई बसें हैं जो प्रदूषण फैलाती है और आधी क्षमता पर चलती है। आपको समस्या पर ध्यान देना होगा, लेकिन फिर भी ना तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार और ना ही पंजाब की भगवंत मान सरकार इस गंभीर मामले पर ध्यान दे रही है। अब एक बार फिर से पंजाब सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देखना होगा कि इस मामले में अब क्या एक्शन केजरीवाल और भगवंत मान लेते हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा, हमारे छठ से और हमारे हठ से
पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं, कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।